हो पाया गया। वो चार दिन लगातार आए सड़क के लिए, हम लोगों को सराहा, उनकी बात को सुना, उनकी बात को समझा और हमने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया है, मगर सामने वाले का दूसरा कदम सामने वाले का होगा, हमारी तरफ हाथ बढ़ाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि हम पहले दिन से यहाँ पे जो बैठे हैं ना, वो सड़क के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ बैठे हैं पिछले 70 दिनों से बैठे हैं काले कानून को लेकर। तो हमारा जो हमारा मुद्दा है वो साइड नहीं हो सकता, हमने सामने अपना मुद्दा साइड किया है, प्रदर्शन नहीं हटेगा, लेकिन सड़क के लिए क्या किया? सड़क के लिए ये बात है, देखिए हमने जो है उनसे मांग रखी है, कहा कि यहाँ की औरतें बात करने के लायक नहीं है, यहाँ की औरतें बात करने के लायक नहीं होती ना, तो कोर्ट की तरफ से नुमाइंदे नहीं आते कोर्ट की तरफ से। और दूसरी चीज ये कि हमें पूरी सिक्योरिटी दें, पहले हमारा काम सुना जाए, हमारी 7 शर्तों पर पूरा खरा उतरा जाए, 100% काम हो, उसके बाद हम ये सड़क खोली जाए। हमारी एक डिमांड और थी, अगर यहाँ उसके बावजूद मतलब फुल सिक्योरिटी होने के बावजूद कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो जो भी SHO हो या कोई भी हो वो इस्तीफा देगा, उसके बावजूद यहाँ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, यहाँ बच्चे भी महिलाएं भी, वो इस्तीफा देगा, इस्तीफा देना ही काफी नहीं है, कर्मचारी होगा उसके साथ ड्यूटी में, उन सबको इस्तीफा देना होगा। तो आपने सुना महिलाओं का क्या Stop it!